हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। आज हमारा पार्ट थ्री चल रहा है। अब हमें पार्ट थ्री बिगिन करना है, स्टार्ट करना है हमारा पार्ट थ्री। तो पार्ट थ्री हमारा क्या था, एसेट्स वाला पोर्शन हमारा रनिंग में चल रहा था। एज यू नो दैट कि आई एम नितेश वर्मा, आई एम टीचिंग लास्ट 10 ईयर्स एंड आई हैव ऑलरेडी टॉट द मोर देन 500 स्टूडेंट्स। तो आई एम फ्रॉम ग्वालियर लोकेशन। तो एनी स्टूडेंट वॉन्ट्स टू कॉन्टैक्ट विद द टू द फेस टू फेस क्लास, दे मे कॉन्टैक्ट अवर कोचिंग क्लासेस इन माई एड्रेस, रैंकर्स अकेडमी, बिग शॉप वाली गली, गोविंदपुरी, ग्वालियर। नाउ वी स्टार्ट टूडे द अनदर पार्ट ऑफ द एसेट्स, दैट इज द मॉनिटरी एसेट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, अब जो नॉन मॉनेटरी एसेट्स है ना, वो आप ये मान के चलिए ये नॉन ट्रेडेबल एसेट्स है। यानी कि अभी हमने जो फिक्स एसेट पढ़ी वो भी नॉन ट्रेडेबल एसेट्स थी, ये भी ट्रेडेबल, लेकिन वहां पर कोई थिंग्स थी, यानी कोई चीज हमें ऐसे मॉनिटरिंग वाली थी जो हमें दिख रही थी, ठीक है ना। हम उसको इजिली मॉनिटर कर सकते थे, लेकिन यहां पर हम मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। हम उसको सिर्फ क्या करेंगे, एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से हम लोग उस पैसे को हम कहीं ना कहीं लगा रहे हैं। यानी कि पहला पैसा होता था वो बिजनेस में होता था, उसका मेन ऑब्जेक्ट होता टू अर्न द मोर प्रोडक्शन ऑफ इनकम। यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए नहीं है, यहाँ सिर्फ इनकम इनकम के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं उसके हिसाब से हमने मॉनिटरी एसेट्स को मैंने डिफाइन किया है। इसको हम लोग जरा ऑब्जेक्टिव से समझते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एक तो होता है अर्निंग एप्रिशिएट करने के लिए, यानी कि हमारी अर्निंग है उसको, उसके अर्निंग आना स्टार्ट हो जाए। हम मतलब हम कुछ काम नहीं करने वाले हैं यहाँ पर, हम कोई काम नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ क्या करने वाले हैं, मेजर सिर्फ एक अर्निंग और अपनी अप्रिशिएट वैल्यू को अप्रिशिएट करने के लिए हम इन्वेस्ट जो पैसा लगाने वाले हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर मॉनिटरी एसेट, यानी इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटरी पार्ट है ये। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग जैसे पहला है देखो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पहले भी ये देख लो ये क्या क्या है। इन्वेस्टमेंट में हम लोग कुछ मनी हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं टू अर्न द नॉन रिकरिंग इनकम, यानी हमारे पास एक इनकम आने वाली है। हम लोग कुछ ऐसी इनकम जनरेट करने वाले हैं कि हम कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और उससे हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा आता रहे। तो वो क्या है, वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ये सब कुछ हमारा मेन बिजनेस नहीं है, ये कि हम डेली का नेचर का बिजनेस है ये, ना ना हमारा ये सिर्फ ऐसा है कि हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए और वहां से हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा आता रहे। तो ये हमारा अगर वो 1 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। हम लोग वो यहाँ सारी चीजें सीख रहे हैं, जैसे देखो इन्वेस्टमेंट है इन शेयर्स, गोल्ड, सिल्वर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब आपकी 11th क्लास बिजनेस स्टडीज में भी है। ये बहुत अच्छे अच्छे पार्ट्स हैं। इनका मेन अर्निंग इन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न द प्रॉफिट्स और एप्रिशिएट द वैल्यू, ठीक है। यानी हमारी वो वैल्यू है वो एप्रिशिएट होती जाएगी। अब वो भी यहाँ पर अगर वो टाइमिंग 1 साल से ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दूसरा मैंने जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया है वो मे और नॉट फॉर द अर्निंग, जरूरी नहीं है वो अर्निंग के लिए ही हो। वो हम किसी भी गुड्स को लेने के लिए या फिर गुड्स को लेने के लिए या फिर हम सर्विस लेने के लिए उसको हम वो पैसा देते हैं। तो उसको यहां पर से पैसे वैसे वाली बात है, वो हमारे सामने वाले से हमारे पास अमाउंट ही आने वाला है वापस, कोई थिंग्स वापस नहीं आने वाली। अगर हमारे पास क्या, जब तक हमारे पास राइट है वो किसका है, मॉनिटरी फॉर्म का है, तो वो हमारे पास मॉनिटरी एसेट है। जैसे कि देखो यहां पर हमने किसी को लोन एंड एडवांस दे दिया, लोन दे दिया 1 लाख रुपए का, तो वो 1 लाख रुपए उससे आए ही हमारे पास वापस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मनी है। या फिर और वो क्यों आ रहे हैं, हम उससे क्या ले रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं या फिर सर्विस ले रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं देता है तो हम उससे पैसे वापस ले लेंगे, यानी हमारे पास उसको हम लोग बोलते हैं लोन एंड एडवांस, ठीक है ना। तो फ्यूचर में हम उसको दे पैसा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में उससे या तो गुड्स एंड सर्विसेस आ जाए या फिर उससे पैसा वापस आ जाए, ठीक है ना। और उससे कुछ ना कुछ, ये ऊपर वाला पार्ट है टू अर्निंग द एप्रिशिएट द वैल्यू, वो हमारी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा, ये ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट में पैसा ही वापस आता है और पैसे के बदले कुछ ना कुछ इनकम भी आती है, लेकिन यहां पर जरूरी नहीं है कुछ इनकम आए, ये ध्यान रखना। इनकम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इनकम में क्या होता है, हमारी कुछ एक्टिविटी होती है, तो इनकम नहीं आने वाली है। यहां पर क्या आने वाला, या तो वो हमारे पैसे वापस करेगा या तो वो हमें उसके बदले गुड्स एंड सर्विस दे देगा, ठीक है ना। जैसे मैंने 1 महीने का एडवांस रेंट दे दिया, अगर वो 1 साल से ज्यादा का मैंने उसको एडवांस रेंट दे दिया, यानी मैंने उसको डिपॉजिट दे दिया, ये मान के चलो कि मैं जब तक रहूंगा उसने मेरे से 1 लाख रुपए रख लिए, तो वो क्या होगा, मेरा लोन एंड एडवांस एंड डिपॉजिट हो जाएगा। तो ऐसी चीज जिसके बदले हमें पैसा मिलेगा वापस बाद में, तो वो तो हो जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट। लेकिन पैसा नहीं मिलता है और उसके बदले हमें या तो क्या मिलेगा, गुड्स एंड सर्विस मिल जाती है, तो हमारा लोन एंड एडवांस हो जाता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, या तो हम ऊपर वाले में क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्या है, टू अर्न द प्रॉफिट, टू अर्न द इंटरेस्ट,
कुछ ना कुछ कमाने का उद्देश्य है। यहाँ पर हमारा कोई कमाने का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमारा क्या उद्देश्य है, गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाए और हमारा पैसा वापस मिल जाए। और यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट पर्पज नहीं होता, ये ध्यान रखना, यहाँ इन्वेस्टमेंट पर्पज नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट पर्पज। ठीक है, तो ये लोग हम आगे और चेक करते हैं। ठीक है, देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पहले हम लोग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में पार्ट बताता हूँ। पहले नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं, जैसे हमने पहले, आप देखो जरा, ये हम ये वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम, लोन इन एडवांस नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। चलो नेक्स्ट देखो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एसेट, एसेट हेल्ड नॉट फॉर ऑपरेशनल पर्पज, यानी हमारे पास कुछ ऐसी एसेट्स हैं जो हमारे बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं हो रही हैं, लेकिन हम उस पर क्या है, कुछ कमाने के लिए और कुछ बेनिफिट अर्न करने के लिए हमने वो चीज ले रखी है, तो उस एसेट को हम लोग क्या बोलेंगे, पहले तो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर वो टाइमिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा हो गई तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, अगर उनकी वैल्यू 1 साल से कम है, टाइमिंग पीरियड 1 साल से कम है, तो करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। इट कैन बी रिलीज After the 1 year from the date of the end of the accounting period, ये बहुत ही important है। यानी कि आपने मान लो, suppose यहां पर investment किया, मान लो 1 जनवरी को 19, ठीक है, ओके, यहां से आपने ये 1 साल की बैंक में FDR की, कितने मंथ के लिए बेटा, 1 year। ठीक है, लेकिन यहां 31 मार्च, अब ये 1 साल बाद 1 जनवरी के बाद हमें ये पैसा कब मिलेगा बेटा, 31 दिसंबर को, यानी 12 मंथ बाद मिलेगा। तो क्या ये 1 साल से ज्यादा की हमारी FDR है, बिल्कुल है, लेकिन यहां पर लिखा है बेटा डेट ऑफ द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर लिखा है, यहां से नहीं, जिस दिन से हमने परचेज किया है, हमने FD किया वहां से नहीं देखना है, हमेशा डेट ऑफ एंड ऑफ द ईयर से देखना है। तो लेकिन यहां से तो बेटा 9 मंथ ही बचे, तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कौन क्या बन गया, करंट इन्वेस्टमेंट बन गया। ठीक है, तो यही चीज हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स एंड बैंक FDR, यानी कि दो पार्ट है, ये हमारे पास नॉन ऑपरेटिव है, यानी हमारे पास एक्सेस पैसा डाला होता है, जैसे कि मान के चलो हमारे पास गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब हमारे पास बहुत पैसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, यानी हमने शेयर्स खरीद लिए, बैंक में FD कर दी, RD कर दी, है ना, शेयर्स खरीद लिए हमने, डिवेंचर्स खरीद लिए, तो दीज आर द इन्वेस्टमेंट इफ देयर इज लाइफ इज द मोर देन 1 ईयर या 1 साल से ज्यादा के बाद ही हम पैसा लेंगे, लेकिन वो अकाउंटिंग पीरियड की डेट से होना चाहिए, 31 मार्च होना चाहिए, पहले नहीं होना चाहिए, कि हमने उसकी वैल्यू नहीं है 12 साल की है, वो 1 साल की, वो नहीं देखते हम लोग, हम ये लोग ये देखते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड से वो मैच्योरिटी की टाइमिंग कितनी हो रही है। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो मैच्योरिटी लिखा हुआ है क्लियर, मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर ही होनी चाहिए, तभी वो क्या बनेगा बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये इनके एग्जाम्पल दिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब बेटा मॉनेटरी एसेट में कुछ दो टाइप की होती हैं, एक होता है डेफर टैक्स एसेट और एक होता है अदर नॉन करंट एसेट। मैं ये सारी चीजें अपनी टाटा या रिलायंस में किसी में भी मैं अभी दिखा के बताऊंगी। बेटा डेफर टैक्स एसेट हमारे सिलेबस में नहीं है, ये टाइमिंग डिफरेंस है, इसका AS वैसे तो 22 होता है, अगर कोई भी CA वगैरह कर रहा होगा या CA इंटर फाउंडेशन में, तो वो इसमें शायद AS 22 में करता है, वैसे इसका ट्रीटमेंट CA फाइनल में ही है। ठीक है ना, तो आप लोगों को ज्यादा नहीं ध्यान रखना है, देना है इसमें, कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। और अदर नॉन करंट एसेट में बताया डिपेंड ऑन द मटेरियलिटी होता है, और एक एनिमल्स एटसेट्रा आप कहीं भी दिखा सकते हो, वो अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा। यानी कि सिंपल सा है, मॉनेटरी फॉर्म में जो होता है उनका, उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, यानी कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या लोन इन एडवांस, दैट इज अ मॉनेटरी एसेट्स। अब हम लोग आने वाले हैं किस पर, नॉन करंट एसेट्स पर। बेटा करंट एसेट, अभी इस करंट एसेट के कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो नॉन करंट एसेट बन जाते हैं बाद में, तो मैं पहले यहां समझाऊंगा, फिर वो चीज सारी चीजों को मैं वहां ले जाऊंगा, कहां पर, नॉन करंट एसेट। पहले मैं करंट एसेट की थोड़ी लिंकिंग दे दूं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मैं ये लेक्चर आपको नेक्स्ट, ये जो करंट एसेट का लेक्चर है वो आपको पार्ट 4 में मिलेगा, तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर 4 पार्ट में हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, अगर एनी स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेरीज है तो इस कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता दे, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, बाय बाय।